बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ हाई का व्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं मंडी की वीडियो बनाता हूं, तो अभी 11 बज रही हैं, हमने सेल की हैं। इधर नवाज़ भाई की हम वीडियो बनाते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो उसने ये परचेज़ की हैं और ये हम खारियाँ लेकर जा रहे हैं। गाड़ी हमारी जनाब रवाना हो रही, 11 बज रही हैं और वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना। अभी हम मल्लू मोड़ मंडी से खारियाँ की तरफ जा रहे हैं, बाकी आपको दिखाएँगे कि हमारे साथ क्या होता है। तो 11 बछड़ियाँ हमने लोड कर दी हैं और कुछ पैसे हमने ले लिए हैं, बाकी पैसे उधर जाकर हमने लेने हैं। तो ये कार्गो हो रही हैं बछड़ियाँ। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा कि आज का मेरा सफ़र कैसा रहता है। अभी शाम हो गई है, 6 से 7 बज गए हैं, 6 बज गए हैं और अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बाकी उधर पहुँच कर आपको बताएँगे कि हमारे साथ क्या होता है बछड़ियाँ पहुँचाने के बाद। तो आज का सफ़र जो है आपके साथ शेयर करेंगे और मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये जनाब हमारा ट्रक है। लंदन जा रहे हैं यार मेरे मालिक। चलो जी उस्ताद, ये अल्लाह याद कर लो भाई। चलो लकड़ बेच रखी है उस्ताद का। अच्छा ये चंगा गुटका। एक वीडियो कॉल करूँ मैं ब्लॉग शुरू किया कि साढ़ा आज सफर की मैं गुजरता वीडियो बना के लोगों से शेयर करता हूँ। बजेड़ा साढ़े सब्सक्राइबर वीडियो बह देना कि बच्चियां किवें लोड हो के किवें जांदियां ने। ओ कितनी सारी लोडिंग वाला सार लोडिंग दी वीडियो बना ली, सारी कोई बना ली। ठीक है, बाकी थोड़ा रवाना हो गए। बाकी एक दा टोटल देकर 10 ही पैसा। ठीक है, ठीक है। तो अभी जनाब हम होटल पर पहुंचे हैं, मियाँ वाली होटल है मल्लू मोड़ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से खाना खाते हैं और इसके बाद फिर मोटरवे पर बैठेंगे। सारा दिन वीडियो बनाता रहा हूँ तो अभी बैटरी लो हो गई है, तो मैंने अभी गाड़ी से चार्जर उठाया। तो ये चार्जर टाइप C वाला है, तो ये 15 मिनट में बैटरी फुल हो जाती है। तो अभी 15 मिनट लगाएँगे, खाना भी खा लेंगे, साथ में जो है ना चार्जिंग भी हो जाएगा मोबाइल। अभी रात काफ़ी हो गई है, तो पीछे गाड़ी खड़ी है। अभी 12 बज चुके हैं और हम इधर फालिया में पहुंचे हैं, गुजरात से पीछे हैं। तो अभी रास्ते में एक पंप था, तो यहाँ बाइक को जो है ना वाशरूम जाना था, तो इस वजह से हम यहाँ पर रुके हैं। खाना वगैरह उधर ही खाया था और अभी जब पहुँचेंगे तो फिर देखते हैं कि उधर ही बैठेंगे, उनसे पेमेंट वगैरह लेंगे। अभी तकरीबन हमें 1 घंटा और लग जाना है, काफ़ी सफ़र आगे रहता है। रूम से हो लेते हैं। वो उधर रोड के सामने गाड़ी खड़ी है। अभी हम एक PSO पंप पर खड़े हैं। आज तो यार मज़ा ही आ गया। आज मैं पहली दफ़ा इधर खारियाँ वाली साइड पर आया हूँ, मतलब गुजरात की तरफ पहली दफ़ा आया हूँ ज़िंदगी में। तो ये तो काम करने पड़ते हैं ज़िंदगी में, ऐसी मुसीबतें परेशानियाँ तो आती रहती हैं। अगर ये ना करते तो कमाना खाना कहाँ से है। असि समान जिमें पाया ना उन्हें सजिया सजाइया में लै ना आखन यार समान मुर्ग लाइए एक मुर्ग भाजी एक मुर्ग टुट गई बिच कितनी रह गई? पांच। चलो एक दो और फिर कर लेंगे, आ जाने कोई नहीं होंगे टाइम लग गया, सफर बड़ा आई सफर बड़ा फंडिया वो सफर नहीं। हाँ वो बड़ा सफर ना लगे, ट्रैफिक जाम कितनी है। देखी ध्यान नाल ध्यान 10 मिनट दा राह है। हां तीन चार आराम ना खैर भी तो फिर प्रिंट चाहिए है ना भाई। और तोहफे ओ यार लाइट ही मौज गई डाल कक्का। लो जी अभी हम पहुंच गए हैं भाई अमीर के घर, तो अभी बछड़ियाँ वगैरह हमने पहुंचा दी हैं। इधर इनका जो फार्म है ये अभी उधर बछड़ियाँ खड़ी हैं माशाल्लाह, चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बछड़ियाँ हमने जनाब पहले 10 थी और एक और बाद में की थी, ये 11 बछड़ियाँ हो गई हैं माशाल्लाह। चेक करें जनाब आपके इलाके का नाम क्या है? खारियां। सही ज़िला गुजरात तहसील खारियां सही माशाल्लाह। हाँ उस्ताद मजा आया कोई ना ड्राइवर साहब जनाब और बाइक गुजारनी रात रात बाइक गुजारनी जेडे सोफे सेट माशाल्लाह साढ़े वास्ते जोड़ रखे ने बड़े प्यारे VIP। तो ये भाई अमीर का घर है, इधर इन्होंने काफ़ी जानवर रखे हुए हैं। ये कुछ बछड़ियाँ खड़ी हैं जनाब 7-8 महीने वाली, ये इनका डेरा है। अभी सुबह काफ़ी बंदे आ रहे हैं देख रहे हैं बछड़ियाँ माशाल्लाह। इधर खड़ी हैं तमाम की तमाम बछड़ियाँ माशाल्लाह। तो कुछ आकर कह रहे हैं कि यार ये छोटी हैं, कुछ कह रहे हैं यार ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि फलां बच्ची ठीक नहीं है, कुछ कह रहे हैं मतलब हर कोई अपने अपना आइडिया लगा रहा है। अभी तक हमें पैसे तो मिले नहीं हैं, सुबह है 8 बज चुके हैं। और ये हो गई जनाब। लो जी हमारी पेमेंट हो गई, अभी जो भी थी जितनी भी थी वो पेमेंट हो गई जनाब। इधर हम बिल्कुल खुश खड़े हैं क्योंकि पेमेंट वगैरह हमारी हो गई है और बछड़ियाँ वगैरह इनको हमने दे दी हैं, पास हो गई हैं, सारा कुछ ओके हो गया। और नाश्ता वगैरह किया, बड़ी इन्होंने हमारी खिदमत की है, मेहमान नवाजी अच्छी की है। तो अमीर भाई जो है तो उन्होंने हमें ऑनलाइन कहा था तो हमने यहाँ घर उनके पहुँचा दिए हैं। बाकी इनके पास भी काफ़ी माल खड़ा है, ये चेक करें ये अमीर भाई के छोटे बेटे हैं और वो दूसरा भाई भी हमारे पास आए हैं, बैठे रहे हैं, गपशप हुई है, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो ये भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। तो अभी हम यहाँ से सारा कुछ जो भी निज़ाम है, मैं गाड़ी पर बैठूँगा और मैं घर चला जाऊँगा। और इन्होंने भाइयों ने, जो मेरे दूसरे भाई हैं बछड़ियों वाले, उन्होंने फार्म पर जाना है और फार्म से न्यू माल उठाएंगे और फिर मंडी में लेकर आएंगे। फिर इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन वीडियो बनाएंगे। तो बाकी मैं जब घर पहुंचूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? अली शेर। अली शेर, भाई का नाम अली शेर है। और भाइयों ने हमारी बड़ी खिदमत की है। और ये हमारे साथ भाई थे और दूसरे भाई थे और ड्राइवर साहब हैं। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं। तो बाकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी। ये चाहे यकूब हैं और ये अमीर भाई के भाई हैं और इन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया। तो बाकी अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो मैं गुजरात से तकरीबन निकला था 10 बजे और अभी 2 बज चुके हैं और मैं इधर फैसलाबाद पहुंचा हूं। और फैसलाबाद से झांग की तरफ जाना है, हमारा जो अपना सिटी है। तो अभी यहां से कोई गाड़ी देखते हैं कि जो झांग जाने वाली हो। आज तो जनाब फुल माहौल बन गया है, आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। रात को भी तकरीबन 10-12 घंटे सफ़र किया है और तकरीबन 4 बजे निकले थे, 4-5 बजे, और रात को 3 बजे हम पहुँचे हैं। तो उधर नींद भी नहीं आई और फिर सुबह 7-1 बजे हम उठे हैं और उसके बाद पेमेंट वगैरह ली है, सारा कुछ चेक किया और फिर 10 बजे मैं निकला हूँ वहाँ से। तो अभी इधर 2 बज चुके हैं और अभी तकरीबन 2 घंटे लगेंगे झांग की तरफ जाने में, 2 घंटे और लगेंगे। तो आज फुल पार्टी हुई पड़ी है। फैसलाबाद के नज़ारे चेक करें जनाब। सिटी टर्मिनल है और यहाँ पर मैं जाता हूँ अगर मुझे कोई गाड़ी अच्छी सी मिल गई तो। लोकल पर तो जाना नहीं, अच्छी कोई मिल गई ना झांग की तरफ जाने वाली। लोकल वाले जलील कर देते हैं। वो फैसलाबाद से तकरीबन 4 घंटे के बाद जंग पहुंचाते हैं। यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर है। हाय गाइस, दिस इज़ उस्मान अली और ये सखावत भाई है और ये परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रोज़र वगैरह, पेंट शर्ट यहाँ पे हम आए हैं। फैसलाबाद की लोकेशन है समनाबाद मदनी चौक। तो यहाँ पे ये भाई मेरे पास आए थे। दिस इज़ उस्मान अली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखिए पहले मोटरसाइकिल चला के बालों की हालत। सखावत भाई मेरे पास आए हैं, यहाँ पे हम पैंट शर्ट खरीद रहे हैं सखावत भाई के लिए। क्यों भाई, पसंद आई कोई? हाँ, अभी ये पसंद आई है तो चेक करें। हाँ, तो बाकी नेक्स्ट और भी देख रहे हैं, हमको और आर्टिकल भी इनको पसंद आए तो वो भी परचेज़ करना है। अभी जो टाइम है वो तकरीबन रात के 12 बज गए हैं, 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर ही टाइम चल रहा है। हाँ, ऊपर। तो हम पहले गए थे डी ग्राउंड वाली साइड पे, फैसलाबाद में आए मेरे पास ना, और ये समनाबाद मदनी चौक की लोकेशन है। तो इधर जे डॉट पर हम गए तो वो बंद हमें मिला। लेकिन टाइम देख ले क्या हुआ, 10 बजे गए थे ना वहाँ। 10 बजे गए तो 10 बजे ऑफ कर दिया उन्होंने। बाकी देखते हैं इनको कौन सा नेक्स्ट पसंद आता है। ये चेक किए हैं, एक पैंट शर्ट है। अच्छा, ये देखे, एक अंदर से ये है जनाब, चेक करें, और दूसरी ये ऊपर से ये है। अच्छा भाई, क्या प्राइस होगी इसकी बताएं थोड़ा सा। अच्छा, इनसे पूछे। हाँ भाई, प्राइस क्या होगी इनकी? तकरीबन के प्राइस जो है मुनासिब ही होंगे। कितनी होगी ये चीज़ें? हमारे पास जो चीज़ें हैं ये हैं डी ग्राउंड वाली वैरायटी। अच्छा, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं। अच्छा, लेकिन आपको इसके जो रेट्स मिलेंगे वो डी ग्राउंड से कदरे कम मिलेंगे। हाँ जी, ये समनाबाद के एरिया में आप खड़े हैं लेकिन। अच्छा, ये झांग से आए, देखे कितनी दूर से कस्टमर आया। जी बिल्कुल, ये पब्लिसिटी हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमको बताएंगे। हाँ जी, और वीडियो भी अपलोड होगी आपकी, इनके रेफरेंस से और भी लोग आएंगे। बिल्कुल, ठीक है जी भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं कल ही पहुँचा था घर, रात को पहुँचा था। तो उधर से मैं ढल कक्का और खारियान लाला मूसा और गुजरात, और उसके बाद ना मैं कोस्टर पर बैठा था और मैं पहुंचा था फैसलाबाद की मैंने वीडियो बनाई है। और उसके बाद वहाँ पर एक मेरा दोस्त था, उसके पास मैं रात को ठहरा और फिर सुबह को शॉपिंग की फैसलाबाद से। फिर शाम को जो है ना वहाँ से फिर रवाना हुआ। शाम को जब मैं जंग पहुँचा रात तकरीबन 7 बजे, और फिर भाई को मैंने कॉल की तो भाई मुझे जंग से रिसीव करने आ गया। मेरा घर था मल्लूमड़ मंडी के पास, तो फिर मैं घर खैरिया से पहुँच आया था और आप दोस्तों की दुआओं से। और हमारा सौदा जो है वो अच्छा रहा, जो हमारी कार्गो थी वो अच्छी तरीके से हो गई। उन्होंने थोड़ा बहुत लेस भी करवा लिया, तो 5-10 हज़ार उन्होंने वैसे भी छुड़वा लिए, क्योंकि मालिक साथ थे तो उन्होंने थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत कर दी। तो बाकी हमें बड़ा अच्छा लगा। अगर आप दोस्तों ने कोई भी जानवर परचेज़ करने हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे साथ करना चाहें तो मेरा काम होता है वीडियो बनाना, आप दोस्तों को रेट्स की अपडेट देना, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना। और मैं कभी किसी के साथ नहीं जाता, वो खुद ही कार्गो वगैरह करते हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त थे और मेरा भी दिल बन गया। मैंने कहा चलो घूम आते हैं और पेमेंट वगैरह भी साथ में ले आएंगे। रात को 3 बजे हम पहुंचे थे उधर। मेरा मुश्किल तरीन वो टूर था, तो अच्छा रहा। बाकी ये लाइफ में ऐसा काम होते रहते हैं, ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, इट्स ओके। तो बाकी ये था मेरा व्लॉग बनाने का मकसद भी ये था कि आपको नॉलेज मिले, आपको पता चले कि ये कार्गो वगैरह होती कैसे है, क्या इसमें दुश्वारी परेशानी होती है। कोई परेशानी नहीं होती, आपने पैसे भेजने को दोस्त ज़्यादा ऑनलाइन भेज देते हैं। अभी मैं फार्म पर जा रहा हूँ, सुल्तान डेयरी फार्म पर, तो उधर 1-2 कस्टमर आए हुए हैं तो उनको डील करना। तो बाकी दोस्तों आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और इसके साथ अपने दोस्त सखावत सरगाना को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 दिन ये मैं वीडियो इकट्ठी मैंने की है और 3 दिन की एक वीडियो बनाकर स्पेशल आपको दिखाई है।